हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का। टॉपिक का नेम है पॉलिनोमियल्स। हम लोग 9th क्लास में इसको कंप्लीट कर चुके हैं एक बार, एक लेवल तक। अब उसके बाद में आगे हम 10th क्लास के अंदर भी इसको फर्दर कैरी करेंगे। तो व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल होता क्या है और ये क्यों आया है हमारे लाइफ में, और थोड़ा वेरिएबल के बारे में भी आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूँगा मैं कि एक्स एंड वाई वेरिएबल जो कि हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं मैथमेटिक्स में क्यों आए हैं, उसके बारे में थोड़ा लास्ट में जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। लेकिन अभी हम जो पॉलिनोमियल है जो हमने 9th में पढ़ा है, 8th में मेरे ख्याल से इसका इंट्रोडक्शन हुआ हुआ है, 10th में कम्प्लीट होगा ये टॉपिक, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखिए, लेट एक्स इज एनी वेरिएबल एन इज एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड a n minus 1 a n minus 2 and so on, a naught are real numbers, then p x is equals to a n x की पावर n a n minus 1 x की पावर n minus 1 plus an minus 2 x की पावर n minus 2 plus and so on a1 x plus a0 is called polynomial। यहां पर देखिए polynomial वेरिएबल x, अगर हम बात करेंगे वेरिएबल x के अंदर है, यहां पे जो मैंने बताया आपको an an minus 1 an minus 2 a1 a0 these are real numbers, कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है रियल नंबर की, बट ये जो n है ये आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये है कि वो आप जीरो इंक्लूड कर सकते हैं। कई बुक्स में कई जगह पे आपको पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, बट पॉजिटिव इंटीजर में आपको पता है कि जीरो इज अ साइनलेस नंबर, तो अगर हमें जीरो इंक्लूड करना है इनके अंदर तो हमें इसको नॉन नेगेटिव इंटीजर ही लेना पड़ेगा। जब इस तरीके के एक्सप्रेशन को हम देखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। क्लियर, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें अब दो तीन चीजें और ऐड करूंगा मैं आपके सामने, जिसमें सबसे पहली चीज है जो मैं बता रहा हूं आपको, दैट इज ए एन एक्स की पावर एन कॉमा ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन कॉमा ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू कॉमा एंड सो ऑन ए वन ए नॉट जो मैंने यहां पे दिया हुआ है अभी आपके सामने, एंड कर लीजिए बोले इसको आप, दीज आर कॉल्ड ए वन एक्स टर्म्स, दीज आर कॉल्ड टर्म्स। एंड यहां पर जो ए एन है, ए एन माइनस वन है, ए एन माइनस टू है एंड सो ऑन, ए वन एंड ए नॉट अकेले हैं, ये क्या कहलाएगा आपका, कोफिशियंट, कोफिशियंट्स, ये सारे कोफिशियंट्स हैं इस पॉलिनोमियल के अंदर। यहां पे मैं एक स्टूडेंट को किसी भी तरीके से एन की कोई भी वैल्यू फिक्स कर दीजिए, कोई सा भी आप इंटीजर फिक्स कर लीजिए, 3 लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए, उसी के हिसाब से आपको ये पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, तो कई बार इनकी वैल्यूज ये रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारे जो अभी मैं इस जो एग्जांपल को लिख रहा हूँ, जो मैं जनरल पॉलिनोमियल जो मैंने लिखा है, इसमें अगर मैं बात करूंगा तो आपके पास में एन प्लस वन टर्म्स हैं, अगर ये सारे नॉन जीरो हैं, तो अगर इसके कोफिशियंट्स नॉन जीरो होंगे तो इसमें एन प्लस वन टर्म्स आएगी।
क्लियर। एन आप कुछ भी हो सकता है, एन आप 100 रख सकते हैं, 10,000 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, हमें इतना आगे जाना नहीं है। हमें बेसिकली जो 10th क्लास के अंदर है वो एक तो लीनियर पॉलीनोमियल की बात करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की बात करनी है, क्यूबिक पॉलीनोमियल की बात करनी है, लास्ट बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की बात करनी है, उसके बाद की जितनी भी डिग्री की होगी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लियर पॉइंट। इसके बाद में जो अगला पार्ट आता है इसके अंदर वो आता है डिग्री ऑफ अ पॉलीनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलीनोमियल, हाईएस्ट पावर इन पी एक्स हाईएस्ट पावर इन एक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। जिस पॉलीनोमियल के अंदर आपको हाईएस्ट पावर जो दे रखी है वही उस पॉलीनोमियल की डिग्री कहलाएगी। ठीक है, तो हम अलग अलग पावर्स के अभी जो भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है उन सब के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और इन सब चीज़ों को भी एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं लीनियर पॉलीनोमियल के ऊपर। डिग्री हमें क्लियर हो गया, पॉलीनोमियल बोलते हैं किसको वो क्लियर हो गया। तो इसके बाद में आएंगे हम कि टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल जो हमें पढ़ने हैं अभी 10th क्लास में। तो टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल आप लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल लिख लीजिए आप, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल में सबसे पहले जो लिखेंगे हम वो आएगा कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल। अ पॉलीनोमियल हूज डिग्री इज जीरो इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल। क्लियर, अ पॉलीनोमियल whose degree is zero is called constant। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो पी एक्स इज इक्वल्स टू 2 लिख दिया आप, दिस इज अ कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल। एक चीज और ध्यान रखनी इस कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल, क्योंकि आपको पता है कि यहां पे क्या है, मैं उसको लिख सकता हूं पी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की पावर 0, 0 डिग्री पॉलीनोमियल हो गया। ठीक है, इसमें एक टर्म और यूज होती है जैसे मैं इसको बोलूंगा ये मोनोमियल है। मोनोमियल का मतलब हो गया इसमें एक ही टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल में मोनोमियल के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें आप ऐसे नहीं लिख सकते 2 प्लस समथिंग करके कुछ भी नहीं लिख सकते आप, और भी बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं जैसे पी एक्स लिख दिया आपने √3, दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल। ये पॉलीनोमियल कॉन्स्टेंट है, इसमें केवल आपको यहां पर एक ही नंबर मिलेगा वो कोई भी है, दिस इज अ रियल नंबर। यहां पे दो टर्म नहीं है ध्यान रखना आप, दिस इज अ मोनोमियल ओनली वन टर्म है, ये मिला के एक ही रियल नंबर है। √3 इरेशनल नंबर है, 1 आपका रैशनल नंबर है, ऐड होके एक इरेशनल नंबर आएगा। वो रियल नंबर का जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। यहां पर चीज क्लियर होगी, इसमें केवल एक ही टर्म है इसलिए हम इसको मोनोमियल ही बोलेंगे कि ये मोनोमियल हो सकता है बस। क्लियर, कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल क्लियर हो गया आपको। इसमें अब मैं थोड़ा सा इसी जगह पर आपको थोड़ा सा कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। जैसे कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल है तो हम इसी जगह पर थोड़ा ग्राफ से इसको समझ लेते हैं, हम इसको ग्राफ से समझ लेते हैं, और मैं यहीं से थोड़ा सा चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ अलग अलग, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। जो हमारी पहली एक्सरसाइज 2.1 है एनसीईआरटी में, उसमें टोटल ग्राफ ही बताया गया है। अगर हमने इस थ्योरी को समझ लिया
तुमने एक बहुत बड़े काम को कंप्लीट कर लिया है, और मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आप इसको बहुत अच्छे लेवल तक समझ लें। मैं इसको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है ना। मैं इसके ग्राफ समझाने की कोशिश करता हूँ और फिर इसके अंदर हम और चीज़ें ऐड करते हैं, लेकिन इसके पहले मुझे आपको दो चीज़ें और बतानी पड़ेगी। इसके ग्राफ से पहले जो फर्स्ट थिंग जो है वो आएगा आपका वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल की वैल्यू के बारे में बात करते हैं। लिखिए, इफ वी रिप्लेस x by any real number alpha in px, then p alpha is called value of a पॉलीनोमियल। ये वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल कहलाता है, क्लियर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आप इस चीज को समझ गए ना, मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगा कि आपको बिल्कुल ढंग से क्लियर हो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपकी बहुत अच्छे ढंग से आगे का पूरा चैप्टर क्लियर होगा आपको, और एक बहुत बड़े कंसेप्ट को आप बड़े ईजिली हैंडल करना सीख जाएंगे। मैं ये जो अल्फा लिखा है मैंने, ये कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। अभी मैं छोटे से एग्जांपल से, अभी मैं यहाँ पे कांस्टेंट पॉलीनोमियल की बात नहीं करूँगा, मैं एक लीनियर पॉलीनोमियल आपके सामने ले रहा हूँ एग्जांपल के लिए मैंने px ले लिया x प्लस टू। हम डिग्री को जानते हैं, हम डिग्री को समझ चुके हैं, तो ये जो पॉलीनोमियल है इसकी डिग्री 1 है, क्लियर है। ये पॉलीनोमियल एक्चुअली में क्या है कि अब मुझे क्या करना है, अभी जो मैंने आपको वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल के बारे में बताया उसमें यही चीज करनी है, इस एक्स के प्लेस पे मैं कोई सा भी रियल नंबर रख सकता हूं, उस रियल नंबर को रखने पे वही रियल नंबर एक्स को मुझे यहां भी चेंज करना पड़ेगा, वो वैल्यू निकल के आएगी। वो जो वैल्यू निकल के आ रही है उसी को हम वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल बोल रहे हैं। मैं हमेशा एक ही चीज को भी यहाँ पे कंटिन्यू रखूंगा ताकि आप लोगों को करने में थोड़ी सहूलियत हो और आप एक थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से, फिर हम मतलब दूसरे तरीके से चलेंगे, मतलब आप कुछ भी पुट कर सकते हैं उस केस में। शुरुआत में थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा हूँ, मैं जानबूझ के एक नंबर ऐसा ले रहा हूँ, जैसे मैंने x इक्वल टू क्या ले लिया, -2 ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना आएगा p ऑफ -2। मैंने कहा ना, मैं x के प्लेस पे एक नंबर, दिस इज अल्फा, माय अल्फा इज -2, देन p ऑफ -2 क्या होने जा रहा है, That is x के प्लेस पे जहां जहां x का वहां जो -2 पुट करना है, प्लस का 2, -2 प्लस 2 0। तो मुझे पता पड़ा कि मैंने -2 पुट किया था, मुझे 0 मिला है, क्लियर। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो चुका है, 8th में भी हो चुका है, 9th में भी हो चुका है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे, तो कोऑर्डिनेट जब मुझे लिखने पड़ेंगे तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं -2 लिखूंगा, और ये कितना आया, 0। ये एक्स कोऑर्डिनेट आया, मैंने एक्स पुट किया, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, वाई। जो भी आउटपुट निकल के आएगा वो वाई कोऑर्डिनेट की तरफ जाएगा, या हम वाई एक्सिस पर उसको प्लॉट करेंगे ताकि हम इसको ड्रॉ कर पाए। हमारे पास दो ही वेरिएबल हैं, एक तो पी एक्स पूरा एक वेरिएबल है और एक एक्स वेरिएबल है। जब एक्स चेंज करते हैं, आप कोई सा रियल नंबर डालते हैं, तो उसके लिए हर बार अलग एक px आता है, हम उस px को हर बार y मान लेंगे और वो एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इसको हम प्लॉट करेंगे, इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन आपको पॉलीनोमियल का दिख रहा है, इसको हम ज्योमेट्रिकली भी देख सकेंगे, और 2.1 है एक्सरसाइज एनसीईआरटी, उसी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रही है। अब इसके बाद मैं आता हूं x = -1, तो यहां पर मैं पुट करता हूं, दैट इज पी ऑफ -1 एक्स को, हियर अल्फा इज -1। मैंने बोला है कि वी रिप्लेस
x by any real number alpha in px, then p alpha is called value of a polynomial. तो minus one पे ये polynomial क्या value दे रहा है हम उसको देखते हैं. minus one put करते हैं. That is minus one plus two. ये जो कुछ कितना आया one. Clear? ये x और y सभी जगह होंगे. मैंने आपको बता दिया ये abscess है, ये ordinate है. तो वापस मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मैं इसको क्या लिख रहा हूँ. मैंने क्या substitute किया था पहले alpha minus का one. मुझे value क्या मिला निकल के उसकी p minus one. अगर मैं आपको और अच्छे ढंग से बात करूं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट p ऑफ माइनस वन मैं ऐसे भी लिख सकता हूं. दिस पार्ट p ऑफ माइनस वन की वैल्यू मुझे मालूम है कि क्या आ गई है. दैट इज माइनस वन कॉमा वन. ये मुझे मिला है. इसको मैं प्लॉट कर सकता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ग्राफ पर x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करके. वहां पे ये सारे नंबर्स हम प्लॉट करेंगे और जब ये सारे नंबर्स प्लॉट करेंगे तो जो ग्राफ आपको मिलेगा वो इस पॉलिनोमियल का ग्राफ कहलाएगा. अगेन मैं आगे आ रहा हूं. x is equal to मैंने लिखा 0. That is p of 0. ये कितना हो गया 0 plus 2. This is equal to कितना हो गया 2. तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ. मैं इसको लिख सकता हूँ मेरी जो real value थी x वो क्या थी. वो alpha क्या था 0. मुझे मिला क्या p of 0. That is p of 0. P of 0 मेरा निकल के क्या है 2. तो ये कितना हो गया 0, 2. मैं ये plot कर सकता हूँ. अगेन x इज इक्वल टू मैं पुट कर रहा हूं 1. दैट इज p ऑफ 1. दिस इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में. यहां पे पुट करूंगा इस वाले पॉलिनोमियल में ना. मैं सारे वैल्यूज यहां पुट कर रहा हूं. दैट इज 1 प्लस 2. जहां जहां x है वहां पे मुझे पुट करना पड़ेगा. तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में 3 आ गया. अगेन इसको मैं बोलता हूं तो ये क्या होगा. ये मैं लिखूंगा क्योंकि मैंने अल्फा मेरा 1 था. ये मेरा p ऑफ 1 आया. P of 1 की मेरी वैल्यू किसके इक्वल है 3 के इक्वल है. दैट इज 1, 3. मैं लिख रहा हूं जब आप किसी भी आगे एनटीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी कंपटीशन के एग्जाम को दे रहे हैं तो आपको ऐसे नहीं लिखा हुआ आएगा. ऐसे लिखा हुआ आएगा ऐसे. और जब ऐसे P of minus 1 लिखेगा तो बच्चा थोड़ा अजीब सा लगेगा. लेकिन ये क्या चीज लिखी हुई है. तो मैंने उसको आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि आप इस कोऑर्डिनेट को किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं. इसका हम एक ग्राफ बना सकते हैं बहुत अच्छा. दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल. तो ये तो था लीनियर. ठीक है मैंने आपको बताया कांस्टेंट अभी. ठीक है अब मैं इसके अलावा एक और ग्राफ आपके सामने मतलब ये वैल्यूज ऐसे निकाल निकाल के बताता हूं. फिर उसके बाद में सेकंड डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे. इसको आपने मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा. तो मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं. क्लियर. तो इसको हम रब कर देते हैं. ग्राफ हम इसके आगे प्लॉट करेंगे डेफिनेटली. मैं अगला एक और पॉलिनोमियल लिख रहा हूं. ये आप वैसे थोड़ा पढ़ चुके हैं नाइन्थ क्लास के अंदर इसलिए मैं डायरेक्टली कुछ लिख रहा हूं लेकिन सबकी डेफिनेशंस में बाद में लिखाऊंगा. मैंने एक अगला एक पॉलिनोमियल ले लिया. px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4. दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और मैं आगे डेफिनेशन के साथ में इसको लिखाऊंगा. लेकिन अभी हम वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो हम अलग अलग रियल नंबर स्पेस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यूज आ रही है वो निकाल के एक बार हम देखते हैं. क्लियर. अगेन वहीं से शुरू करेंगे. रेट में x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करते हैं तो बेसिकली क्या होगा. हम x के प्लेस पे जो हमारा अल्फा है वो क्या है माइनस 2 है. तो x के प्लेस पे जहां जहां x है वहां वहां माइनस 2 पुट करना है. ये आपको ध्यान रखना है. तो दिस इज माइनस 2 इज इक्वल्स टू यहां पे x स्क्वायर है क्योंकि आप x रिप्लेस कर चुके. तो माइनस 2 का कितना होगा स्क्वायर होगा. माइनस कितना आएगा 3 इनटू कितना आएगा 2 आएगा. सॉरी माइनस 2 आएगा. जहां जहां x है वो माइनस 2 लिखना है. और माइनस का कितना आया 4. हम इसको सावधानी से कैलकुलेट करेंगे. माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे आपको पता है कि प्लस का 4 आ गया. माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस का 6 आ गया. माइनस का 4 आ गया. दिस इज इक्वल टू 6. अभी हमने क्या पुट किया था x इज इक्वल टू माइनस 2. हमें इस माइनस 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिली है 6. तो मैं इसको ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फॉर्म में कैसे लिखूंगा माइनस 2 कॉमा पी ऑफ माइनस 2. और आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले मैंने समझा दिया है कि माइनस 2 कॉमा हम p ऑफ माइनस 2 की वैल्यू क्या आई है 6 वो यहां पर लिख सकते हैं. ये क्लियर हो गया आप लोगों को. अगर मैं यहां पे लिखता हूं
एक्स इज इक्वल टू माइनस कर वन, तो इस मीन्स क्या कर रहे हैं, हम एक्स के प्लेस पे माइनस वन पुट कर रहे हैं, दैट इज पी ऑफ माइनस वन, दिस इज इक्वल टू कितना, माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस का थ्री माइनस वन माइनस का फोर, दिस इज इक्वल टू माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, ये कितना आएगा प्लस का थ्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और माइनस का फोर, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया जीरो, क्योंकि थ्री प्लस वन फोर माइनस फोर इज जीरो। तो अगेन मैं यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ आपके सामने, तो ये कितना आएगा माइनस वन हमारा अल्फा था एक्चुअली में जो हमने पुट किया, और हमारे को क्या मिल रहा है पी ऑफ माइनस वन मिल रहा है, इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ माइनस वन कॉमा जीरो, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी जीरो, क्लियर। नेक्स्ट एक्स इज इक्वल टू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करूंगा, तो दिस पी ऑफ जीरो इज इक्वल टू कितना आएगा, x के प्लेस पे हमको जीरो पुट करना है, तो जीरो का होल स्क्वायर जहां पे भी है माइनस थ्री ऑफ जीरो माइनस का फोर, माइनस का फोर इज इक्वल टू कितना आया, दिस इज इक्वल टू माइनस का फोर। यहां पे क्या हो गया आपका, जब हम इस वैल्यू को देख रहे हैं यहां पे, ये कितना आया आपका x आपने जीरो पुट किया था, और ये कितना आया p ऑफ जीरो, p ऑफ जीरो की वैल्यू क्या निकल के आई जीरो कॉमा माइनस का फोर। ऐसे हम यहाँ पे हम कितने अल्फा पुट कर सकते हैं, इनफाइनाइट अल्फा पुट कर सकते हैं, इससे हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट्स आएंगे, हमारे पास इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स आएंगे। लेकिन बेसिकली हम क्या करते हैं, हम हमेशा इंटीजर्स पुट कर रहे होते हैं, अगर मैं यहाँ पे रूट टू पुट करूंगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, हम वन टू थ्री माइनस वन टू थ्री फोर जीरो फाइव ये सब पुट करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में या दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, तो वो सारे इनपुट करके यहाँ पे चेक नहीं कर सकते, लेकिन हम इनको प्लॉट करके आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और इस पॉलीनोमियल का हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, अभी मैं इसमें आगे और ये आपको अगली डेफिनेशन दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल को ड्रॉ करूंगा, फिर वापस मैं लीनियर पॉलीनोमियल लिखवाऊंगा, फिर उसको ड्रॉ करूंगा, फिर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लिखवाऊंगा उसको ड्रॉ करूंगा, क्यूबिक पॉलीनोमियल लिखवाऊंगा उसको ड्रॉ करूंगा, और कैसे उसको ड्रॉ करते हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। क्लियर पॉइंट, ये नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने, तो उसके बाद में अगर हम आएंगे तो उसके बाद में हम लिखेंगे जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल, अ रियल नंबर अल्फा, अ रियल नंबर अल्फा फॉर विच P of alpha is equal to 0 is called 0 of a polynomial. मतलब जिसपे वो 0 होगा, जिसपे polynomial की value 0 होगी उसे हम क्या बोलेंगे, zeros of a polynomial. अगर मैं आपके सामने पीछे वाले जो दोनों एग्जांपल्स हैं उनके जीरोस की बात करूं, एक तो मैं वैल्यू तो इनफाइनाइट मिलेंगे, जितने आप रियल नंबर पुट करोगे उतने आएंगे। जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल का मतलब है जिस अल्फा पे पॉलीनोमियल जीरो होता है उसे हम जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल बोलते हैं। मैं जो पीछे आप लोगों के सामने जो लीनियर पॉलीनोमियल लिखा था, दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू था, अगर मैं एक्स की वैल्यू कितनी लिखूंगा माइनस का टू लिखता हूँ, आपको मैंने लिखवाया था माइनस टू प्लस टू इज इक्वल टू कितना आया था जीरो, जीरो मिला। इट मींस इस पॉलीनोमियल में एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इज जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, बात क्लियर हुई, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इसका जीरो कहलाएगा, हम जीरो ऑफ पॉलीनोमियल इसको बोल रहे हैं, क्लियर हुआ। सेकंड एग्जांपल मैंने जो आप लोगों को लिया था वो था पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स माइनस का फोर,
हमने यहाँ पे क्या पुट किया था, जब वैल्यू x इज इक्वल टू क्या पुट किया था, माइनस वन। तो आप देखें जब माइनस वन हमने यहाँ पुट किया, यहाँ पे पुट किया था x इज इक्वल टू माइनस टू, तो हमें ये मिला था x इज इक्वल टू माइनस वन पुट करने पे कितना आया था, माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस थ्री इंटू माइनस वन माइनस का फोर इज इक्वल टू कितना आया, वन प्लस थ्री माइनस का फोर इज इक्वल टू जीरो। तो इस वाले पॉलीनोमियल के लिए मैं क्या बोलूंगा, इसके लिए बोलूंगा x इज इक्वल टू माइनस वन इज जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स माइनस का फोर। क्लियर? मतलब जिस x के लिए, जिस रियल नंबर के लिए, जिस रियल नंबर x के लिए ये पॉलीनोमियल जीरो होता है, उसे हम जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल बोलते हैं। क्लियर हो गया? डायग्राम मैंने आपके सामने अभी, सॉरी, कांस्टेंट पॉलीनोमियल बताया, अब इसका मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कांस्टेंट पॉलीनोमियल का करूंगा और उसके बाद में हम लीनियर पॉलीनोमियल पे आएंगे, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। उसके बाद हम आएंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के ऊपर आएंगे, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, फिर क्यूबिक पॉलीनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। क्लियर? तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा मैं रब करता हूँ, कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल के ग्राफ के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट पॉलीनोमियल की बात करेंगे तो हमारे पास, जैसे मैं पहले पॉलीनोमियल को ले लेता हूँ, दैट इज पी एक्स, तो हम पी एक्स इज़ क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं। जैसे कि हम वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल की हम बात करते हैं, हमने क्या किया था, एक्स इज़ टू क्या किया था, माइनस का टू, तो एक्स इज़ टू माइनस टू पुट करेंगे, इसका मतलब क्या आ गया, दैट इज माइनस टू इज़ टू, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं एक्स, आपको x के प्लेस पे माइनस टू लिखना है ना, तो यहाँ पे कुछ x है ही नहीं, तो क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे टू ही मिल रहा है क्योंकि कुछ है ही नहीं x में। तो आप अगर बोलेंगे कि x इज इक्वल टू माइनस टू के पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या आई, तो हम कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, माइनस टू कॉमा पी ऑफ माइनस टू। और आपको पता है कि आपने क्या किया है, माइनस टू की जो वैल्यू आई वो कितना आया, टू, तो माइनस टू पुट करने पे इस पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, टू ही आ रही है। अभी x इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, माइनस वन पुट करेंगे, दैट इज पी ऑफ माइनस वन, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, आपको पता है टू ही है, कुछ नहीं कर सकते आप, दैट इज माइनस वन कॉमा पी ऑफ माइनस वन। पी ऑफ माइनस वन की वैल्यू हमने क्या लिखी है, दैट इज टू, हमें मालूम है कि वो कॉन्स्टेंट है, इसलिए हम इसके नाम को भी कॉन्स्टेंट बोल रहे हैं, आप कुछ भी डाल रहे हैं वो पॉलीनोमियल बार बार आपको टू ही दे रहा है। x इज इक्वल टू अगर हम जीरो पुट करते हैं तो कितना आएगा, दैट इज पी ऑफ जीरो, अगेन राइट हैंड साइड को एक्स है नहीं तो मैं ऐसे लिखूंगा, दैट इज जीरो कॉमा पी ऑफ जीरो, इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज जीरो कॉमा टू। नेक्स्ट एक्स इज इक्वल टू अगर आप वन पुट करते हैं, दैट इज पी ऑफ वन, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, टू, अगेन यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज वन, और ये कितना है आपके पास में पी ऑफ वन। पी ऑफ वन की वैल्यू हमने क्या लिखी है वो आपको पता है, हर बार वो टू ही दे रहा है। एक्स इज इक्वल टू अगर हम टू पुट करते हैं, क्लियर है आपको, पी ऑफ वन कितना आ गया आपके पास में, यहाँ पे आएगा टू ही आएगा, दैट इज सॉरी एक्स इज इक्वल टू है, यहाँ पे टू कॉमा कितना आएगा, पी ऑफ टू, दिस इज इक्वल टू कितना है, टू कॉमा टू। तो आप देख रहे हैं कि इस पॉलीनोमियल की हर एक रियल वैल्यूज पे वैल्यू टू ही आ रही है। क्लियर है? अब हम इसको ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका। तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो ये मैंने x एक्सिस ड्रॉ कर दी, ये मैंने y एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ कर दी। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा आपको पता होगा, दैट इज 1, 0 होता है। आगे बढ़ेंगे तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, दैट इज 2, 0 होगा, और इस वाले को अगर हम प्लॉट करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 3, 0। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है तो हम x और y कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है x एक्सिस है, इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो जीरो होगा, और इस लाइन की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, y इज इक्वल टू जीरो। जब हम इस साइड की तरफ आते हैं, आपको पता है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, 0 है, ओरिजिन है, ये -1, 0 है, इस साइड आएंगे -2, 0 होगा, इस साइड आएंगे -3, 0 होगा। ठीक है, सिमिलरली y एक्सिस पे हम अगर प्लॉट करेंगे तो आपको पता है दिस लाइन इज y एक्सिस
एंड इसकी इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू जीरो, लाइन पे x हमेशा जीरो होगा। अगर हम ऊपर जाते हैं तो दैट इज जीरो कॉमा वन, यहाँ आते तो कितना आएगा जीरो कॉमा टू, ऊपर जाते हैं तो जीरो कॉमा थ्री, नीचे आते हैं और इसको जीरो कॉमा माइनस वन, इससे नीचे आते हैं तो जीरो कॉमा माइनस टू, इससे नीचे आते हैं जीरो कॉमा माइनस थ्री। क्लियर पॉइंट सब स्टूडेंट्स को? अब हमें क्या करना है, इस कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल पी एक्स इक्वल टू का ग्राफ प्लॉट करना है। तो हमने अभी ये फाइव पॉइंट्स इसमें पुट किए थे, उसकी हमने वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल निकाला है, उस वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल को हम इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पर प्लॉट करेंगे और उन सारे प्लॉटिंग पॉइंट्स को हम ज्वाइन करा देंगे, दैट इज द ग्राफ ऑफ दैट कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल। क्लियर पॉइंट? तो यहां पे अगर हम आते हैं तो यहां पे आप देखेंगे, इसके अंदर एक बात करते हैं, माइनस टू कॉमा टू, तो एक्स माइनस टू है तो एक्स पे हम माइनस वन माइनस टू चले, वाई पे कितना है प्लस का टू, तो प्लस का टू है तो ऊपर जाना पड़ेगा वन एंड टू, दिस कोऑर्डिनेट इज माइनस टू कॉमा टू। क्लियर? ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट हमने प्लॉट कर दिया, दिस इज द फर्स्ट। क्लियर है? सेकेंड कोऑर्डिनेट माइनस वन कॉमा टू, एक्स पे माइनस वन गए और टू तो क्लियर है कि यही चलेंगे हम, एक्स पे माइनस वन गए कितना आ गया माइनस वन कॉमा टू। फिर आगे जाते हैं जीरो पे टू, तो ऑलरेडी प्लॉटेड है यहाँ पे आपका ये पॉइंट, ये भी प्लॉट हो गया, ये भी प्लॉट हो गया, वन कॉमा टू, वन कॉमा टू पे फिर वापस से आएंगे, दिस कोऑर्डिनेट इज वन कॉमा टू, आगे हम आएंगे ये टू कॉमा टू, तो दिस कोऑर्डिनेट इज टू कॉमा टू, टू कॉमा टू। ये हमने पांचों पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो ये प्लॉट्स पॉइंट हुए हैं इसको हम इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। आप देखिए इन दो रियल नंबर्स के बीच में, वन और टू के बीच में कितने एक्स हैं? अगर मैं इन दोनों नंबर्स के बारे में बात करता हूं, इन रियल नंबर्स के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। हमने इन पर सब पे प्लॉट नहीं किया, लेकिन आपको क्लियर है कि मैं यहाँ कुछ प्लॉट करता तब भी टू आता, यहाँ कुछ प्लॉट करता तब भी टू आता, यहाँ पे प्लॉट करता या 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, सब पे प्लॉट करता, सब पे टू आता, मैंने पूरी लाइन स्ट्रेट खींची है और ये लाइन कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक, ये गड्ढा ग्राफ ड्रॉ है, इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि आपको ऐसा कि रियल नंबर इधर लिखेंगे उधर पूरा रियल नंबर रखेंगे, हमेशा वो इनफाइनाइट की तरफ ही जाएगा। और ये कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल है, ये ग्राफ हमेशा ऐसे ही रहेगा और एक्स एक्सिस के हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा। क्लियर हो गया सारे स्टूडेंट्स को कि ये एक कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल है और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग लीनियर पॉलीनोमियल। सेकेंड जो आपका है वो है आपका लीनियर, लिखिए आप पॉलीनोमियल विच है डिग्री वन फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पी एक्स की बात करूंगा दैट इज ए एक्स प्लस बी, साथ में कंडीशन लिखूंगा कि ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो लिखना है। क्लियर हो गया? इसकी डिग्री वन है इसलिए वो लीनियर है। लीनियर को लीनियर डिग्री के साथ तो बोलते हैं, लेकिन आप जब उसको ड्रॉ करेंगे तो उसका ग्राफ स्ट्रेट आएगा, स्ट्रेट लाइन देगा, इसलिए उसको लीनियर बोलेंगे। इसमें अब दो चीजें हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके सामने, इफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस सेवन, तो इसमें दो टर्म है इसलिए ये क्या है बायनोमियल है, जिसमें दो टर्म है उसको हम बायनोमियल बोलते हैं। ये भी हो सकता है पी एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स, तो ये क्या कहलाएगा आपका मोनोमियल। लेकिन इससे पिछला जो मैंने आपको कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल बताया था वो कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल केवल मोनोमियल हो सकता है, उसमें दो टर्म नहीं आ सकती कभी भी, क्योंकि उसमें कोई भी एक्स का कोएफिशिएंट नहीं, एक्स की पावर जीरो है,
दूसरा एक्स आप ले नहीं सकते हैं, इसलिए वो मोनोमियल रहेगा। लेकिन लीनियर पॉलीनोमियल मोनोमियल हो सकता है और बायनोमियल भी, जिसमें दो टर्म है वो बायनोमियल, जिसमें सिंगल टर्म है वो मोनोमियल। क्लियर पॉइंट। अब अगेन मैं वही एग्जांपल जो मैंने पीछे भी लिया था उसको लेके हम आगे इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वैल्यू फॉर पॉलीनोमियल निकालते हैं, जीरो फॉर पॉलीनोमियल की बात करते हैं, ग्राफ्स का प्लॉट कर लेते हैं। मैंने एक्स जो मैंने पॉलीनोमियल जो लिया था दैट इज पी एक्स इक्वल टू क्या लिया था आपके सामने, दैट इज एक्स प्लस टू। हमने एक्स इक्वल टू क्या पुट किया था, माइनस का टू। तो जहां पे भी हमें यहाँ वैल्यू पुट करें दैट इज माइनस टू, माइनस टू प्लस टू इक्वल्स टू आपका था जीरो, तो हमारा क्वाड्रेंट आया था माइनस टू कॉमा जीरो, ध्यान रखना। x is equal to minus 1 plot किया था that is p of minus 1 is equal to क्या होगा minus 1 plus 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको जो हम value put कर रहे हैं वो निकालना है, that is equal to 1, that is minus 1 comma 1, x is equal to हमने 0 put किया था, तो p of 0 अगर हम यहाँ put करेंगे तो 0 plus 2 is equal to 2, this is equal to 0 comma 2, हम x is equal to 1 put करेंगे तो p of 1 this is equal to कितना आएगा 1 plus 2 is equal to कितना आया, that is equal to कितना है 1 comma 3, हम x equal to अगर हम 2 put करेंगे that is p of 2, this is equal to 2 plus 2 is equal to कितना आया 4, तो हम यहाँ value देखेंगे कितना आएगा that is 2 comma 4। clear। ये 5 points हम इस graph को plot करेंगे और ये हमारा क्या है linear polynomial। again वही x axis and y axis मैं draw कर रहा हूँ आपके सामने, ये x axis y axis draw कर दिया आपने sorry, आपको पता है ये minus 1 comma 0 है, आपको पता है ये माइनस टू कॉमा जीरो है, तो मैं भी डायरेक्ट इस तरीके से प्लॉट कर रहा हूँ। अगेन यहाँ पे आता हूँ तो ये क्वाड्रेंट कितना है 1 कॉमा 1 है, ये वन कॉमा जीरो है सॉरी, दैट इज 2 कॉमा 0 है, दैट इज 3 कॉमा 0 है। इस साइड आते हैं तो हम क्या लिखेंगे 0 कॉमा 1, ये लिखेंगे हम 0 कॉमा 2, और अगर हम नीचे आते हैं तो कितना आएगा 0 कॉमा माइनस 1, दैट इज 0 कॉमा माइनस 2, दैट इज 0 कॉमा माइनस का 3। क्लियर पॉइंट। हमारे को ये पांच क्वाड्रेंट माइनस टू कॉमा जीरो हमारा एक फर्स्ट पॉइंट प्लॉट हो गया, ये प्लॉट हो गया माइनस टू कॉमा जीरो, माइनस वन कॉमा वन, माइनस वन कॉमा वन की बात करेंगे तो आपका माइनस मेरा ये वन हो गया, तो इस पॉइंट का क्वाड्रेंट ये हो गया माइनस वन कॉमा वन, ये प्लॉट यहाँ पे हो गया। क्लियर पॉइंट। ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। जीरो कॉमा टू, जीरो कॉमा टू ऑलरेडी प्लॉटेड है, ये आपका पॉइंट जीरो कॉमा टू हो गया। नेक्स्ट 1 कॉमा 3, तो हमें थोड़ा और ऊपर बढ़ना पड़ेगा 0 कॉमा 3 पे, तो 1 एक्स पे 1 गए वाई पे 3 गए, तो ये क्वाड्रेंट आपका यहाँ पे आ गया और ये क्वाड्रेंट इसको हम लिख रहे हैं दैट इज 1 कॉमा 3। नेक्स्ट है हमारे पास में 2 कॉमा 4, तो आगे हम और बढ़ेंगे दैट इज 0 कॉमा 4 है, तो 2 कॉमा 4 पे कहाँ गए हम, 2 कॉमा 4 पे हम यहाँ आ गए, ये पॉइंट आपका ये 2 कॉमा 4 हो गया। अब इनको सबको हमने क्या करना है, ज्वाइन कराना है। ये आपका क्या हो गया, पॉलीनोमियल का ग्राफ हो गया। कौन सा वाला पॉलीनोमियल का, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, आगे इनफाइनाइट तक जा रहा है। हम ये एक लीनियर पॉलीनोमियल है, इसलिए एक लाइन मिल रही है आपको, हमने पांच पॉइंट्स प्लॉट करके इसको दिखा दिया। दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलीनोमियल एंड जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल इज माइनस टू। जहां पे पॉलीनोमियल जीरो हो जाए उसको हम जीरो ऑफ, इस पॉलीनोमियल का केवल एक ही जीरो है, ओनली वन जीरो, That is x is equals to minus का। Clear point? ये हमारा linear polynomial हो गया। एक और polynomial मैं इसके आगे draw कर रहा हूँ, that is quadratic polynomial। इसमें मैं आपको एक चीज और थोड़ा सा एक funny part है इसका, वो समझाना चाहता हूँ। x is equal to अगर आप रामलाल लिखते हो, क्योंकि बेसिकली क्या होता है बच्चों को समझ में नहीं आता उस तरह, रामलाल लिख रहा हूं मैं, इट मीन्स p कितना आया रामलाल, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा रामलाल प्लस टू। आपको जहां जहां x है वहां पे आपको वैल्यू पुट करके देखनी है। अब अगर यहां x इक्वल टू मैंगो पुट करोगे तो आपको क्या लिखना है, अगर यहाँ पे आपने मैंगो पुट कर दिया तो p मैंगो क्या होगा, जहां x था वहां क्या आएगा मैंगो प्लस का टू। ये पार्ट आपको ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके से नोट करना है कि आगे के पॉलीनोमियल को, क्योंकि वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल निकालना आपको ध्यान होगा कि जहां जहां x है वहां हमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल विच हैव हाईएस्ट highest degree 2 is called quadratic polynomial. इसको मैं लिख रहा हूं जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ध्यान रखना ए बी सी आर रियल नंबर्स, बट अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो एक्स स्क्वायर का ऑप्शन जीरो नहीं हो सकता, बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया आपका तो क्वाड्रेटिक रहेगा ही, क्योंकि एक्स स्क्वायर का ऑप्शन गायब हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वहां नहीं रहेगा. इसमें तीन पार्ट आते हैं. इफ पी एक्स इज इक्वल टू, अगर मैंने आपसे ना 2x स्क्वायर लिख लिया ओनली, दिस इज कॉल्ड मोनोमियल. इफ पी एक्स इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4, इट इज बायनोमियल. अगर आपको पी एक्स इजिकल मिला एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, ये कहलाएगा ट्राइनोमियल. ये नियम्स हैं इनके टर्म्स के हिसाब से. जैसे मैंने आपको बोला था कि जो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है वो मोनोमियल के अलावा बायनोमियल ट्राइनोमियल नहीं हो सकता, जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो मोनोमियल बायनोमियल के अलावा ट्राइनोमियल नहीं हो सकता. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या हो सकता है, मोनोमियल भी हो सकता है, बायनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है. मैं एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक एक टर्म क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको एनटीएससी का एग्जाम देते तो कोई दिक्कत ना आए. एक एक चीज आपको पॉइंट क्लियर है. इसके बाद हम इसके ग्राफ के ऊपर आते हैं. हम ग्राफ यूज करेंगे वही जो मैंने पीछे भी आपके सामने बताया था, दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4. एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करेंगे, दैट इज पी ऑफ माइनस 2. एक्स के प्लेस पे माइनस 2 पुट करना, ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए. एक्स स्क्वायर माइनस का 3 ऑफ माइनस 2 माइनस का 4, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 6 माइनस का 4 इज इक्वल टू 6. कोऑर्डिनेट इज माइनस 2 कॉमा 6. अगेन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 पुट कर रहा हूँ, दैट इज पी ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस का 4. 0 आएगा हमारे पास, दैट इज माइनस 1 कॉमा 0. x इज इक्वल टू मैं यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ, तो p ऑफ 0 जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा, दैट इज 3 इंटू 0 माइनस का 4, दिस इज इक्वल टू माइनस का 4, दैट इज 0 कॉमा माइनस का 4. x इज इक्वल टू मैं आपके सामने पुट कर रहा हूँ 1, दैट इज p ऑफ 1, ये हम पुट नहीं कर पाए थे वहाँ पे क्योंकि हमारे पास प्लेस कम था, दैट इज माइनस का 4 इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ सॉल्व करता हूँ कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया आपके पास में, तो माइनस का 6 आया, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया 1 कॉमा माइनस का 6. एक्स इज इक्वल टू अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो दैट इज पी ऑफ 2, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 2 और माइनस का 4, दिस इज इक्वल टू आया 4 माइनस का 6 माइनस का 4 इज इक्वल टू है प्लस का 4 था यहाँ पे 6 है अगेन माइनस, आपको क्या मिल रहा है माइनस 6 ही मिल रहा है. देखो आप 1 पे भी क्या मिल रहा है आपको माइनस 6, क्लियर, और 2 पे भी क्या मिल रहा है माइनस 6, तो ये क्वाड्रेंट कितना आएगा आपके पास में, दैट इज 2 कॉमा माइनस का 6, क्लियर है. एक्स इज इक्वल्स टू अगर हम बात करें यहाँ पर 3 पुट करें तो कितना आएगा पी ऑफ 3, ऐसे पुट कर रहा हूँ जानबूझ कर उसकी वैल्यूज को, तो कितना आएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 3 माइनस का 4, दिस इज इक्वल टू कितना है 9, माइनस का 9 माइनस का 4 आ गया, दैट इज माइनस 4, दिस इज 3 कॉमा माइनस का 4, ठीक है. एक्स इज इक्वल टू अगर मैं 4 पुट करूंगा तो कितना आएगा पी ऑफ 4 पुट कर दिया, दिस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस का 4 इज इक्वल टू, आप अगर देखेंगे तो आपको पता क्या मिल रहा है यहाँ पे 3 4 जो 12 4 4 16, 12 4 16 0 मिल रहा है, इट मीन्स कितना है
4, 0। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के अंदर मैक्सिमम 2 जीरोस मिल सकते हैं। जितने डिग्री का पॉलीनोमियल होता है उतने ही जीरोस हो सकते हैं उसमें। जरूरी नहीं कि हर बार वो जो 2 मिले, लेकिन मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, या उससे कम 1 हो सकता है, या उससे कम 0 हो सकता है, जब इस तरीके से होगा। क्लियर पॉइंट? तो हमारे पास इस बार पॉइंट बहुत सारे आ गए। मैं आपको फिर वही फनी पार्ट जो हमारा रह गया उसको मैं बता रहा हूं आपको। यहां पर अगर मैं लिख दूंगा पी रामलाल, अगर हम रामलाल में ये वैल्यू पुट करते हैं इसी पॉलीनोमियल के अंदर, आपको क्योंकि वैल्यू पुट करना जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज इक्वल टू आएगा आपके पास में रामलाल का स्क्वायर माइनस 3 इंटू रामलाल माइनस का 4। ये आपको सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए। हम जो वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल है वो कैसे पुट कर रहे हैं वो आपको आना चाहिए। अगर मैं लिख दूंगी पी मैंगो, अगर मैंगो की बात करेंगे तो हमें जहां जहां एक्स है वहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैंगो लिखना पड़ेगा माइनस का 4। क्लियर है? सब्स्टिट्यूट करना आप लोगों को आ रहा है समझ में? इस बार मैंने कोऑर्डिनेट्स थोड़े ज्यादा लिए प्लॉट करने के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए इसको प्लॉट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इसको अगर प्लॉट करेंगे तो किस तरीके से प्लॉटिंग होगी इसको हम थोड़ा देखते हैं। मैं थोड़ी जगह यहाँ पे अपने पास में थोड़ी सी कम है, लेकिन मैं कोऑर्डिनेट सारे कोशिश करूँगा कि हम प्लॉट कर लें। थोड़ी जगह छोटी ले लेंगे, ये 1.0 है, ये 2.0 है, ये 3.0 है, ये 4.0 है, ये 5.0 है, ये 6.0 है, दैट इज -1.0, -2.0, -3.0, -4.0, -5.0, -6.0। स्टूडेंट समझ रहे होंगे मेरी बात को आप लोग? नेक्स्ट ये आएगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, क्योंकि हमें वाई में 6 तक गया हूँ, माइनस 6 तक गया हूँ, तो मुझे उस ग्राफ को वहां तक लिखना ही पड़ेगा। दिस इज इक्वल्स टू -1.0, -2.0, -3.0, -4, -5, -6। यहाँ तक कोऑर्डिनेट हो गया, मैं इस जगह का कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ 0.6, मैं देखते हैं 0, -6, यहाँ आ जाएगा 6.0, यहाँ हो जाएगा -6.0। अब हम प्लॉट करते हैं -2.6, तो -1, -2, और 6 यहाँ पे, तो ये कोऑर्डिनेट हमारा पहला प्लॉट हो गया। दैट कोऑर्डिनेट इज -2.6। क्लियर? उससे अगला कोऑर्डिनेट पे आते हैं -1.0, तो -1.0 आपका कोऑर्डिनेट यही है, दिस इज -1.0, दिस इज द सेकंड कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट उसके बाद में आता है 0, -4, तो 0, -4 हमारे पास में आया है 0, -4। ठीक है, तो 0.1, 0.-1, 0.-2, 0.-3, 0.-4 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, दैट इज 0, -4। ठीक है, उसके बाद में आएगा 1, -6, तो 1 ये रहा और -6 यहां रहा, तो ये क्वाड्रेंट अगर हमारा 0, -6 है, दिस क्वाड्रेंट इज 0, -6, दिस क्वाड्रेंट इज 1, -6, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। फिर आ रहा है हमारे पास में 2, -6, इट मीन्स 2, -6 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और -6 यहाँ पे, दिस क्वाड्रेंट इज 2, -6। क्लियर? इसके बाद में हमारे यहाँ पे भी आ गया, इसके बाद में आ रहा है आपके पास 3, -4, दैट 3 एंड दैट इज -4, दिस क्वाड्रेंट इज 3, -4, ये अगेन एक पॉइंट है। फिर आ रहा है आपका 4, 0, 1, 2, 3, 4, दैट इज 4, 0, दिस क्वाड्रेंट इज 4, 0। क्लियर? हम इसको अब डॉटेड करके इसको मिलाने की कोशिश करते हैं, ये कर्व क्या बन रहा है वो हम देखते हैं। इस तरीके से आएगा, यहां से ये नीचे जाएगा, ये मैं एक्स्ट्रा आपके सामने कर रहा हूं ऐसे प्लॉट, आगे ऐसे बढ़ेगा। ये ग्राफ कैसे बनाए ये आप लोग क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में, ये किसके बीच में आपको पता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 1, 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 2, 0, इसके बीच में आपको एक कोऑर्डिनेट है
3 बाई टू 1.5 वो इसको पुट कर देना, आपको वैल्यू उस माइनस सिक्स से भी नीचे जाएगी और ये जो ग्राफ बन रहा है दिस ग्राफ इज पैराबोलिक कर्व, दिस इज कॉल्ड पैराबोला, ये आप आगे पढ़ेंगे लेकिन यहाँ हमको ये चीज क्लियर हो गई है। क्लियर, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो गया। स्टूडेंट्स बेसिकली मैं बहुत सारी चीजें हर एक चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा मैं टाइम लेता हूँ लेकिन मैं इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि आपको बहुत लंबे टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक का मतलब ये है कि अगर आप IITian बनना चाहते हैं क्योंकि मैं मैथमेटिक्स ही पढ़ाता हूँ तो आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट होने वाला है इसके अंदर। आप नहीं भी बनना चाहते हैं, आप मेडिकल डॉक्टर की तरफ जाना चाहते हैं या आप कॉमर्स की तरफ भी जाना चाहते हैं या आप आर्ट्स की तरफ भी जाना चाहते हैं, लेकिन आपको इससे बहुत हेल्प होने वाली है क्योंकि जो मैथमेटिक्स के लिए जो फोबिया बताया जाता है कि मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता है, या मैथमेटिक्स में दो ही तरीके के स्टूडेंट्स मिलते हैं, एक कैटेगरी वो होती है जिसको मैथ्स से बहुत डर लगता है, एक वो जिसको मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, बीच वाले कम मिलते हैं स्टूडेंट्स ना, तो मैं उस डर को ही ख़त्म करना चाहता हूँ। चाहे वो किसी भी थीम में बच्चा जाना चाहता है, किसी भी स्ट्रीम को वो लेना चाहता है या वो कोई भी थिंकिंग रखता है, पर वो मैथमेटिक्स से प्यार करे, मतलब मैं उसको इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दूंगा कि वो साल में लेक्चर थोड़े बड़े बड़े दूंगा आपको, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हुआ जाऊँगा, उसका रीज़न बता रहा हूँ आपको बहुत बड़ा, कि दुनिया की कोई भी चीज़ आप अगर किसी चीज़ से कंपेरिजन करते हैं, हम जैसे सारे स्टूडेंट्स जाते हैं सारे कारों के बारे में सब जानते हैं, मेरे ख्याल से हमें भी उतने कारों के नाम नहीं पता होंगे जितने आप लोगों को पता होंगे, और आप देखेंगे BMW, Audi या कोई से भी लैम्बोर्गिनी हो गई या बहुत बड़े बड़े नाम हैं कारों के अंदर, उस कार के अंदर अगर मैं बात करूँ किसी भी अपने इंडियन ब्रांड की या कोई भी ऐसा ब्रांड जो आपको पता है कि यार ये तो इंडिया की कार है, मतलब हम ऐसा फील करते हैं अब हमारे ब्रांड भी बहुत टक्कर दे रहे हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है बेसिकली वही चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अगर वो डिफरेंस आपको क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छे ढंग से जिस तरीके से मैं एक्सप्लेनेशन को आपको दे रहा हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक BMW को कार बनाने वाला जो भी कंपनी है वो उस कार में जब आप दरवाजा उसका हैंडल खोलते हो ना, उस हैंडल को खोलते वक्त उसमें एक एक बारीक पॉइंट को ध्यान में रखा गया है, एक एक छोटे छोटे पॉइंट को रखा गया है कि कैसी आवाज़ आनी चाहिए। आप वैसे और गाड़ियों को आप खोलोगे तो वो इतनी अच्छी कंफर्टेबल फील नहीं कराएंगी आपको, जो प्राइस में लो हैं मैं उसको उस तरीके से नहीं रहा हूँ, प्राइस में लो है तो वो आपको उस तरीके की फील नहीं कराएगी, जिसकी प्राइस हाई है तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ चीज़ है, और वो लेकिन चीज़ क्या है, वो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा गया है। तो बेसिकली कोई भी कॉम्पिटिशन है या कोई भी कंसेप्ट आप समझने की कोशिश करते हो उसमें एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है सबसे बेसिक चीज़ों को क्लियर करना। अगर बेसिक्स आपके क्लियर हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिशन में निकाल सकते हो, कोई कॉम्पिटिशन में कोई बड़ी बड़े क्वेश्चंस या बड़े थिंकिंग वाला पार्ट होता ही नहीं है। तो हमें उस छोटी छोटी चीज़ों की कदर करनी पड़ेगी जिनको मैं एक्सप्लेनेशन में लेके आ रहा हूँ, एक एक पार्ट समझना पड़ेगा। जितनी छोटी चीज़ें आप समझ लोगे आपको कंसेप्ट याद रखने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। समझते वक्त टाइम लगेगा आपको कि यार क्या इतना सारा बता दिया है, ये क्या इतना अभी तो मेरे को आता है, नहीं आप उसको सुने और उसको जहन में लेके आए, अपने सारे लेक्चर सिंक्रोनाइज कर लेंगे, उस लेक्चर को सुनने के बाद में आपको कभी भी किसी भी कॉम्पिटिशन के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये मेरा वादा है आपसे। दैट्स ऑल।